हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे इस CRT टीवी को। तो देखिए दोस्तों, इसमें फॉल्ट क्या है, ये देखिए इसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसका हाइट बढ़ा हुआ है, इसको हाइट को कम करना है। आप सोच रहे होगे ये हाइट कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिमोट से इसको हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें ये दिक्कत है कि इसका जो किट है उसका जो मेन आईसी है दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम है कि इसका रिमोट काम नहीं करता है। ये मेन आईसी का फॉल्ट है, इसमें रिमोट काम नहीं करता। इसका IR सेंसर सब कुछ सही है, फिर भी इसमें रिमोट काम नहीं करता। इसका जो आईसी है उसमें प्रॉब्लम है, वो ख़राब है अंदर से। इंटरनल इसका जो रिमोट सेक्शन है आईसी के अंदर, वहाँ से दिक्कत है। तो इसको हम किस प्रकार से इसका हाइट को कम करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पर रिमोट इसका काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो किट इसमें लगा हुआ है, ये पहले 15 इंच के पिक्चर ट्यूब पे लगा हुआ था, उसका पिक्चर ट्यूब ख़राब हो गया, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पर जो पिक्चर ट्यूब लगा रहे हैं वो 14 इंच का है। तो 14 इंच के पिक्चर ट्यूब में दोस्तों इसका हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा फैला हुआ है पिक्चर ट्यूब के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, नीचे में जो ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह फ्लैश हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, बहुत से यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो इस किट को हम कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे इसका हाइट बढ़ाएंगे, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और यही किट नहीं, आप किसी भी कंपनी के टीवी के किट में अगर आपका रिमोट नहीं है या ख़राब हो गया या रिमोट मैच नहीं हो रहा, तो उसके हाइट को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, पूरा उसका बेसिक फंडामेंटल आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। बिल्कुल आप अगर स्किप करेंगे वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा, बहुत ही अनमोल कीमती जानकारी आपसे छूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइट इसका सही नहीं आ रहा है, छोटा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको हम आपको बताएंगे। तो इसी तरह के वीडियोस को आपको हम बताते हैं दोस्तों, अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो देखिए दोस्तों, ये वर्टिकल सेक्शन को हमें मॉडिफाई करना है। इसमें देखिए दोस्तों, ये है वर्टिकल सेक्शन, ये चाइना किट हम अभी रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चाइना किट हो या कोई भी ब्रांडेड किट हो, उसको कैसे हम उसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज का तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसके वोल्टेज यहाँ पर हमें सभी बराबर मिल रहे हैं, सभी वोल्टेज इसके सही आ रहे हैं। इसलिए हम जल्दी से वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चाइना किट है दोस्तों, इसमें 24 वोल्ट सप्लाई हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर होता है, यहाँ पर 1000 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट या 35 वोल्ट का यहाँ पर आपको कैपेसिटर मिलेगा। जो इसका जो प्लस वाला सिरा है वो योक कॉइल से, योक कॉइल का जो कनेक्टर है वहाँ से कनेक्ट हुआ है, जुड़ा हुआ है। और इस कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट है दोस्तों, वो सीधा ग्राउंड नहीं हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ ओम्स का रेजिस्टर है, कम ओम्स का रेजिस्टर है, और रेजिस्टर के बाद ये ग्राउंड हुआ है। तो ये है पहचान दोस्तों चाइना किट में। अगर इस तरह का 24 वोल्ट सप्लाई हो तो इस तरह का आपको मिल जाएगा, अगर इसमें प्लस 14 या माइनस 14 हो तो इस तरह से कैपेसिटर वहाँ पर नहीं लगा होगा, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये जो रजिस्टर है दोस्तों, इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो वैल्यू को हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ये वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, देखते रहिए। कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सभी देखेंगे। तो ये रजिस्टर है दोस्तों, ये वो रजिस्टर है, यहाँ पर 1 ओम्स का यहाँ पर रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो बेसिक दोस्तों इसमें ये है कि आप यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, सिंगल सप्लाई है 24 वोल्ट। तो आप देख सकते हो पिन नंबर 5 से यहाँ पर योक कॉइल कनेक्ट हुआ है। योक कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है 1000 माइक्रोफेरेड का, तो प्लस वाला यहाँ पर योक कॉइल से कनेक्ट है, और इसका जो माइनस पॉइंट है वो 1 ओम के ज़रिए ग्राउंड है। और यही पॉइंट आप देख सकते हो, इनपुट यहाँ पर जो आ रहा है वो वर्टिकल सिग्नल, वहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके ज़रिए यहाँ पर
आ रहा है। तो ये है इसका पहचानने का, यहाँ पर आउटपुट से ये कनेक्ट है और यहाँ से देखिए इनपुट से ये लाइन कनेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर वहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगा हो तो किस प्रकार से होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो सप्लाई, यहाँ पर प्लस 14 वोल्ट और माइनस 14 वोल्ट दो सप्लाई यहाँ पर दिया गया है, जो किसी भी ब्रांडेड टीवी में आपको देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर पिन नंबर 5 देखिए, ये आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन से योग कॉइल कनेक्ट है एक पॉइंट से, और योग कॉइल का दूसरा जो टर्मिनल है देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर ग्राउंड हुआ है देखिए, और यहाँ से देखिए यहाँ पर भी एक इनपुट दिया गया है पिन नंबर 1 से, यहाँ पर एक रजिस्टर लग के यहाँ पर आया हुआ है। तो ये है दोस्तों, यहीं से इसको फीडबैक बोल सकते हैं, यहाँ से इसको कितना इसको कम ज़्यादा करना है उस हिसाब से फीडबैक भी मिल जाता है, यहाँ से आउटपुट से और यहाँ पर इनपुट से दोनों से ये कनेक्ट हुआ हुआ है। देखिए योग कॉइल से यहाँ पर ग्राउंड हुआ है, ओम्स का रजिस्टर होगा, यहाँ पर अगर कैपेसिटर नहीं लगा होगा तो इस तरह से वहाँ पर रजिस्टर ग्राउंड हुआ होगा, उसको वैल्यू को आपको चेंज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों सप्लाइयों का मैंने बता दिया, सभी चाइना किट और ब्रांडेड किट में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, या कोई और भी आईसी लगा हो तो उसका आउटपुट से इस तरह से योग कॉइल से कनेक्ट हुआ होगा, उसको आप देख करके चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर हमने बाहर निकाल दिया है, ये 1 ओम का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू हम कम या ज़्यादा करते हैं तो इसके हाइट पे फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम आपको बताएंगे, यहाँ पर हम ये हमारे पास 2.2 ओम्स का रजिस्टर है, इसको हम वहाँ पर लगा के देखेंगे तो उसका हाइट बढ़ता है या कम होता है, ये आप खुद ही देख सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकल आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, और इसका जो भी फंडामेंटल है मैंने आपको बता दिया दोस्तों, रजिस्टर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा सर्किट में। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं और देखते हैं स्क्रीन का साइज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल ही देख सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाया है, यहाँ पर 1 ओम का लगा हुआ था, यहाँ पर हमने 2.2 ओम्स का लगा दिया है, अब देखते हैं इसके स्क्रीन में क्या फ़र्क पड़ता है, हाइट कम होता है कि ज़्यादा होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो हमें ज़रूरत है हाइट को कम करने की, हाइट ज़्यादा फैला हुआ है तो उसको कम करना है, तो हमने रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाया, 1 ओम की जगह 2.2 ओम्स लगाया, तो देखिए हाइट इसका कम हुआ है, लेकिन जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा कम हो गया है, आप नीचे और ऊपर देख सकते हैं काले काले रंग की पट्टी यहाँ पर दिख रहा है, तो हाइट ज़्यादा ही कम हो गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.2 ओम से कम का हमें यहाँ पर रजिस्टर लगाना पड़ेगा, 2.2 ओम से कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, तो यहाँ पर हम 2 ओम्स का लगाएंगे, 2 ओम्स का हमारे पास नहीं तो हम यहाँ पर 1 ओम्स के दो रजिस्टर सीरीज़ में लगा के 2 ओम्स बनाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर आपको सीरीज़ पैरेलल में लगा के कम या ज़्यादा वैल्यू बना सकते हैं, अगर आपको हाफ ओम्स की चाहिए तो क्या करेंगे आप, 1 ओम्स के दो रजिस्टर को पैरेलल में लगा देंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से सीरीज़ पैरेलल करके आप बना सकते हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं और इसकी जगह पे हम 1 ओम्स के दो रजिस्टर लगा देंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने दो रजिस्टर सीरीज़ में लगा दिए हैं, अब देखते हैं तो देखिए, अरे शायद लगता है कि यहाँ पर हमने रजिस्टर गलत लगा दिया है, क्योंकि इसका हाइट और भी कम हो गया है, पहले से भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, यानी कि हाइट कम तब होता है जब रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाता है, यानी 2.2 ओम से ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने 10-10 ओम्स के दो रजिस्टर गलती से लगा दिए हैं, तो यहाँ पर 20 ओम्स हो गया है। तो आप देख सकते हो हाइट को कम करना है तो क्या करना है, रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। तो अब एक ही रजिस्टर हमने यहाँ पर 10 ओम्स का लगा दिया है, तो देखते हैं स्क्रीन देखिए उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी हो गया, आप इस रजिस्टर की वैल्यू को जितना बढ़ाओगे उतना हाइट आपका क्या है इसका छोटा होता जाएगा, और आपको स्क्रीन के साइज़ को छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हमने आपको बताया, और इसको बड़ा करना है, स्क्रीन अभी छोटा हो गया है, काफ़ी छोटा, इसको बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू को कम करेंगे, 10 ओम्स लगा दिए थे यहाँ पर, 2 ओम्स लगा दिए हमने अब
सीरीज़ में 2 1 ओम्स के रजिस्टर लगा दिए, तो ये लगभग परफेक्ट साइज़ हमें मिल गया है 2 ओम्स में। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पट्टी हमें दिख रहा है, लेकिन ये चल जाएगा, इतने में काम चल जाएगा। अगर यहाँ पर 1.9 या 1.8 ओम्स लगा सकते अगर हमारे पास होता तो लगा के देख सकते थे, लेकिन नहीं है। और सीरीज़ पैरेलल करने पर भी वो ओम्स हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लो ओम्स के रजिस्टर हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 ओम्स के 2 सीरीज़ में लगा दिए हैं हमने, तो 2 ओम्स यहाँ पर हमें मिल गया है। और एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों, 1 ओम्स और 0.33 ओम्स यानी 1.33 ओम्स के 2 रजिस्टर मतलब सीरीज़ में लगा के हमने 1.33 ओम्स बनाया है। तो क्या हुआ, पहले जो हमें हाइट मिला था परफेक्ट साइड, उससे भी मतलब ये फैल गया है, मतलब ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे जो के जो ब्रेकिंग न्यूज़ हो और एक पट्टी चलती है वो कट गया है, और ऊपर वाला भी कट गया है। मतलब इसका आप समझ सकते हो, इस रजिस्टर को वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो हाइट इसका कम होगा, और इसकी वैल्यू को आप घटाओगे कम करोगे तो क्या होगा, इसका हाइट बढ़ेगा, समझ लो दोस्तों। तो फिर से अब हम यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा देते हैं सीरीज़ में 1 1 ओम्स के, यानी 2 ओम्स हमें मिल गया, तो साइज़ इसका परफेक्ट आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना रिमोट कंट्रोल के भी अब हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं मैंने आपको बता दिए, 24 वोल्ट सप्लाई लाइन में कैसे आपको देखना है, और प्लस 14 या माइनस 14 वोल्ट में आपको कैसे देखना है, तो आप देख सकते हो दोस्तों। ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो हमने आपको करके दिखाया है, बिना रिमोट कंट्रोल के भी हाइट को आप कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आप एक बात फिर से आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस रजिस्टर की वैल्यू को जितना आप कम करोगे तो क्या होगा, हाइट इसका बढ़ेगा और फैलेगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। 1 ओम है, उससे भी आप कम कर दोगे तो और भी इसका हाइट फैलता जाएगा, और 1 ओम्स को वैल्यू को बढ़ाओगे तो स्क्रीन का साइज़ घटेगा। ये बात आप समझ सकते हो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है किस तरह से इसको रिपेयर करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।